और आइए आपको अब बताते हैं आपको कि किस तरह से ऑक्सफोर्ड में इस समय हिंदू फोबिया चल रहा है, किस तरह कुछ लोग हिंदू फोबिया के शिकार हैं। दरअसल ब्रिटेन में हिंदुस्तान का डंका बजाने वाली रश्मि सावंत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। रश्मि सावंत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद में उन्होंने ये पद छोड़ा है। हिंदूवादी होने और नस्लीय टिप्पणी के आरोपों के बाद में उनको ये इस्तीफा देना पड़ा। आखिर ऐसा क्या ये पूरा विवाद रहा कि रश्मि सावंत ने ये अहम पद छोड़ा, ये हम जानेंगे खुद रश्मि सावंत से। रश्मि सावंत खुद इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। रश्मि का मैं रुक करूं, लेकिन उसके पहले बताएं कि सात समंदर पार भी हिंदू फोबिया से कट्टरपंथी डरे हुए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इससे अछूती नहीं है। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या जय श्री राम लिखना अपराध है? क्या अपनी संस्कृति पर अभिमान गुनाह है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू फोबिया। सात समंदर पार हिंदुस्तान का डंका बजाने वाली बेटी ने सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों और घेरेबंदी के बाद इस्तीफा देने में भी देर नहीं लगाई। महज तीन हफ्ते पहले ही हिंदुस्तान की बेटी रश्मि सावंत ने ब्रिटेन में भारत का परचम लहराया था। रश्मि ने दुनिया भर के छात्रों के बीच प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का ताज हासिल किया था। कर्नाटक की मणिपाल की रहने वाली रश्मि ने 11 फरवरी को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव जीता। उन्हें अध्यक्ष पद के लिए डाले गए 3,708 वोटों में से 1,966 वोट मिले, लेकिन कट्टरपंथियों को रश्मि की जीत रास नहीं आई और उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जाने लगा। विरोध होता देख रश्मि सावंत ने इस्तीफा दे दिया और कहा, मुझे ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैंने छात्र समुदाय का भरोसा खो दिया है जिन्होंने मुझे वोट दिया था और मेरे घोषणा पत्र में विश्वास जताया था। मैं सभी छात्रों से माफी मांगती हूँ जो मेरी टिप्पणी या किसी गतिविधि से आहत हुए हैं और मैं फिर से आपका भरोसा जीतना चाहती हूँ। दरअसल रश्मि सावंत की जीत के बाद उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए जिसे कई छात्रों ने नस्ली और असंवेदनशील बताया। रश्मि ने साल 2017 में बर्लिन होलोकास्ट मेमोरियल की यात्रा के दौरान नरसंहार से जुड़ी एक तस्वीर को चिंग चांग नाम से पोस्ट किया था, जिस पर चीन के छात्रों ने नाराजगी जताई। वहीं छात्र संघ अध्यक्षीय डिबेट में उन्होंने केप कॉलोनी के नेता सेलिल रॉड्स और अडोल्फ हिटलर के बीच में तुलना की थी। सोशल मीडिया पर रश्मि को नस्लवादी, यहूदी विरोधी, इस्लामोफोबिक, ट्रांसफोबिक बताने की कोशिश की गई। यहां तक कि उनके हिंदू होने को लेकर भी निशाना साधा गया। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए रश्मि ने कहा, हिंदू होना मुझे किसी भी तरह से असहिष्णु और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए अयोग्य नहीं बनाता, बल्कि हिंदू होने से मैं मूल्यों को वास्तविक अर्थ में समझती हूँ। हालांकि विकसित दुनिया की उलझनों से मेरा संपर्क सीमित है, मैंने अपने कदम वापस खींचे क्योंकि मेरे संस्कारों ने मुझे संवेदनशील होना सिखाया है। भले ही ट्रोलर्स के विरोध पर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा हो, लेकिन झूठ और अन्याय के खिलाफ उनकी जंग जारी है। टीम न्यूज नेशन। और इस समय रश्मि सावंत खुद इस समय हमारे साथ में है। रश्मि, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष बनना, वो भी कहा जाए कि इस पद को हासिल करने वाली पहली कोई भारतीय महिला थी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ये कहा जाए सबका एक सपना साकार होने जैसा होता है। आप वहां पर पहुंची भी, लेकिन उसके बाद में आपने उसको त्याग दिया। मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी। जैसे सब जानते, बहुत ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पे और सब लोग ऐसे बुला रहे थे कि तुम ये हो, तुम वो हो, तो बहुत कॉर्नर किया गया और अल्टीमेटली मुझे लगा कि इस्तीफा देना सही रहेगा क्योंकि इतना सोशल मीडिया ट्रायल और ये सब सहा नहीं जा रहा था एक पॉइंट के बाद।
तो रश्मि, आपको ऐसा लगता है कि क्या ये भी किसी तरह की कोई प्लान है, कुछ साजिश है, सोची समझी? क्योंकि ये तो वही रश्मि सामंत है जब ये अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए अगर खड़ी भी थी तो इस दौरान भी आपका जो मैनिफेस्टो रहा, आपकी पोस्ट तब उसके पहले की रही, आपको लगता है कि अचानक से इस तरह से अगर ट्रोल किया जा रहा है, टारगेट किया गया, क्या वजह मानते हैं इसे? मैं इस इंसिडेंट को कोई वजह दे के उनके जैसा नहीं बनना चाहती, पर आप इंसिडेंट को देख सकते हो तो आप ही इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, पर मैं इसके बारे में कुछ बता के उनके जैसे एलिगेशन नहीं लगाना चाहती मैं किसी पे भी। बिल्कुल, आपने ये बात कह के उनकी नज़रों में, कहा जाए सबकी नज़रों में, और एक ऊंचा पद हासिल किया रश्मि, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें आपने क्लियर लिखा था होमोफोबिया ट्रांसफोफोबिया से लड़ने की आपने बात कही थी, यानी कि ऐसे समुदाय, ऐसे लोग जो पूर्वाग्रह और नफरत जिनमें होती है उन्हें खत्म करने की बात कही गई। आपको नहीं लगता कि आप वो लड़ाई जारी रखती तो शायद जीत भी आपकी होती? क्योंकि ऐसे तो तमाम ट्रोलर्स हैं जो आपको हमेशा टारगेट करेंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी आपका ये अनुभव कैसा रहा, क्या वाकई में दुनिया में हिंदू फोबिया इस कदर भरा हुआ है कि लोग ट्रोल करने लग जाएं आपको? एक फैकल्टी ने मेरे बारे में एक बहुत बड़ा पोस्ट बनाया है सोशल मीडिया में, और ये इंसान अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में फैकल्टी है, तो उनका अगर आप पोस्ट पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या भावना है हिंदुइज्म के बारे में। और क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मेरे माँ बाप का फोटो पे ऐसा फोटो फ्रेम है तो उनको कैसा लगता है, तो मैं किसी को कुछ हिंदू फोबिक नहीं बुलाना चाहती, क्योंकि वो तो वही होगा ना कि हम उन पे अभी निशाना कर रहे हैं, मतलब उन्होंने हमें निशाना बनाया। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप भारत के एक छोटे से इलाके से होते हुए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंची, वहां पर आपने अपने जो पूरी वहां पे अपनी जगह बनाई, लेकिन एक हिंदू होने के नाते क्या वाकई में इतनी ज्यादा तकलीफें होती है? मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर लोगों में किस तरह की सोच है, हिंदुओं को लेकर किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता रखते हैं वो, आखिर इतना जहर उनके मन में क्यों है, कैसा बर्ताव होता है उनका? बर्ताव तो सामने है, यही पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, पर मेरे साथ तो ये हुआ, और जो बर्ताव हुआ उसका कोई एक्शन भी अभी तक नहीं लिया गया, तो इससे हम यही देख सकते हैं कि क्या भावना है हमारे बारे में। पर इसका रीज़न या इसका कंक्लूजन देने के लिए मैं आई डोंट थिंक कि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि मैं सबको ब्रांड कर दूं बैठ के। रश्मि, आपके साथ में अगर इस तरह का बर्ताव रहा, अगर आपके खिलाफ इस तरह की नस्ल भेदी या ये कहा जाए धर्म भेदी अगर किसी तरह की आप पर टिप्पणी की गई, क्या हमेशा से उनका ऐसा बर्ताव रहा, और क्या कभी किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आपके सपोर्ट में वहाँ पर लोग नजर आए आपको? मैं नहीं जानती कि इन्होंने इससे पहले ऐसी टिप्पणी लिखी है या नहीं, क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। ये मेरे मतलब मेरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी नहीं है, पर मेरे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हैं, और इन्हें रोकने की बात तो हम नहीं देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से मैंने किसी का कोई मैसेज या किसी स्टूडेंट का भी कोई पोस्ट नहीं देखा कि इनको कोई रोकना चाहे। बिल्कुल रश्मि, आपका अब क्या स्टैंड है? आपने अध्यक्ष पद से स्टूडेंट यूनियन से तो आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब आपका एक्शन क्या रहने वाला है, अपनी इस फाइट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं अपना कंप्लेंट तो फाइट करूंगी, यूनिवर्सिटी के साथ फाइट करूंगी, अगर वो नहीं सुनेंगे तो उससे आगे लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई और रश्मि कल को कर्नाटक से जाके प्रेसिडेंट बन जाए और उसको ऐसे उतार दें ये लोग। तो और मैं अपना कोर्स भी कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, तो उस पर भी मेरा ध्यान है।
जी बिल्कुल रश्मि, और आपके साथ में पूरा भारत है, पूरे भारत की जनता है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू होना आपने खुद ने कहा कि आपको गर्व है, और वैसा ही गर्व हर किसी को है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये समझा जा सकता है कितना जहर और डर है उनमें। आप हमारे साथ जुड़ी रश्मि, आपका बहुत शुक्रिया। तो रश्मि सामंत को आपने सुना, वो अपनी इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगी, अपनी शिक्षा को आगे जारी रखेंगी। हालांकि अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या उस पूरे प्रशासन प्रबंधन की तरफ से उन्हें किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन रश्मि का कहना है कि लगातार वो अपनी इस फाइट को जारी रखेंगी, और जब तक एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेंगी।